बोलिए सदगुरु साहेब की जय। पूजनीय संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, कबीर साहब के उपदेश जग जाहिर है। बच्चों की पढ़ाई में जो आता है साधारण रूप से, उसमें भी कई बातें आ जाती हैं, गंभीर बातें तो उसमें नहीं आती हैं, लेकिन सामान्य बातें उसमें भी सूत्र रूप में थोड़ी थोड़ी आ जाती और उनकी वाणी पूरे भारत में पढ़ाई जाती है। इसलिए उनके उपदेशों की भनक किसी के कान में न पड़ी हो ऐसा नहीं है, लेकिन कबीर का सम्यक उपदेश उनका बीजक पढ़ करके जाना जा सकता है। उनका मुख्य ग्रंथ बीजक है, साखी ग्रंथ है जो 3500 साखियां जिसमें हैं, जिसमें मैंने 1100 साखियां लेकर के कबीर अमृतवाणी के नाम से टीका करके छापी थी और आज तक उसके तो बहुत संस्करण निकल गए, शायद एक दर्जन तक होगा, एक दर्जन संस्करण निकल गए। और बीजक के अलावा जो पद हैं कबीर भजनावली नाम से यहाँ से प्रकाशित है, 501 भजनों का कहत कबीर, उसमें थोड़े मोड़े बीजक के पद हैं और सब बीजक के बाहर के पद हैं। कबीर की वाणी बहुत मानी जाती है और सब में मिलावट है, इसलिए उसको बीजक के आधार पर छांट करके मैंने कहत कबीर और कबीर अमृत वाणी ये दो का अनुवाद करके टीका करके और प्रकाशित किया है। मुख्य ग्रंथ बीजक है। अगर कबीर साहब के विचारों के सम्यक स्वरूप को समझने का शौक है तो आपको बीजक पढ़ना चाहिए, जो दो खंडों में व्याख्या के रूप में यहां उपलब्ध है। उसी आधार पर मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने पेश करूंगा। हम लोग आदमी हैं, मनुष्य हैं, तो पहला कर्तव्य है कि आदमी को आदमी की निगाह से देखा जाए। सबको ये शौक है कि हम हीन न माने जाए, कोई हीन अपने को पसंद नहीं करता। कबीर साहब की ये पहली अपील है कि मनुष्य से मनुष्य मिले तो मनुष्य की निगाह से देखे और मनुष्यता का व्यवहार करे। अतिथि सत्कार में जहां बात आती है धर्मशास्त्रों में, आजकल पारक प्रकाश में वेद के संदर्भ छपते हैं, हर अंक में एक संदर्भ छपता है, इसमें बहुत से लोग जानते हैं। वेदों पर मैं लिख रहा था, वेद क्या कहते हैं, वेद में विषय क्या है, इस पर 122 संदर्भ लिखा, ग्रंथ पूरा हो गया है, छपने पर ये कबीर दर्शन जैसा होगा। उसके एक एक संदर्भ पारक में छपते हैं, अक्टूबर अंक में आतिथ्य छपा है, तो वेद में ही काफी बढ़िया है, लेकिन उसकी प्रस्तावना में मैंने दिया है अतिथि किसे कहते हैं और अतिथि के लिए क्या भावना होनी चाहिए, तो धर्मशास्त्रों में लिखा है दरवाजे पर जो आए उससे न पूछे तुम किस जात के हो, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारी शिक्षा कितनी है, ये सब न पूछे और उसका आदर करें, ये धर्मशास्त्र भी कहते हैं। मानवता क्या है, जो हम दूसरे से अपने लिए चाहते हैं वह दूसरे के लिए करें। मानवता बुनियाद है, धर्म की बुनियाद है, अध्यात्म की बुनियाद है, मानवता ही हमारे जीवन में नर है, तब धर्म कर्म क्या है।
मानवता है कि मानव को हीन न समझा जाए, और मानव को हीन समझा गया है पूरी दुनिया में। गोरे लोग काले लोगों को अपने मोहल्ले में घुसने नहीं देते थे, आज भी दुनिया में कहीं कहीं ऐसा है। अहंकार राजा हर जगह है। बहुत बचपन की बात है, एक मुसलमान के मुख से सुना एक दूसरे मुसलमान के लिए, वो तुर्क है ना, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि भाई उसे तुर्क ये क्यों कहता है। वो कहे वो तुर्क है ना, तो जिस खानदान के होंगे, शेख हो, सैयद हो, कुछ हो, दूसरे को नीच समझते होंगे। ये रोग हर जगह है, हिंदुओं में ये रोग ज्यादा पनपा है, और इस रोग के पनपे लंबा समय बीत गया। भारतवर्ष का अथवा पूरे संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऐसी बात नहीं, वैदिक ऋषि स्वाभिमानी तो हैं, लेकिन जाति मान करके छूत छूत होती है, कोई छोटा होता है, ऐसी चर्चा नहीं। वर्ण व्यवस्था होने के बाद धीरे धीरे जकड़ता गया। वर्ण व्यवस्था के तीन संस्करण हुए हैं। पहला संस्करण है काम का बंटवारा, दूसरा संस्करण है योग्यता के अनुसार वर्ण व्यवस्था का स्वरूप ढालना, तीसरा संस्करण है जन्म के अनुसार मान लेना। पहला संस्करण है कि काम का बंटवारा कर लिया जाए। छोटा परिवार था उनका, तो विद्या शिक्षा इत्यादि में जो लगे उनको ब्राह्मण कहा गया। शासन व्यवस्था देखे उनको राजन्य कहा गया, व्यापार की उनको वैश्य कहा गया। पंच जन वेदों में बारंबार आता है, पांच पंच दोनों प्रयोग है। पांच जन कौन है कहीं भी उसकी व्याख्या नहीं है, सभी वेदों में कहीं भी व्याख्या नहीं, क्योंकि उनको सरल लगता था कि पांच जन जो हम कह रहे हैं तो बिल्कुल सरल है। इसलिए चारों वेदों में एक जगह मैंने नहीं देखा कि पंचजन की व्याख्या लिखी हो, विवरण दिया हो उन्होंने। पंचजन बारंबार कहा, पांच जन हवन करते हैं, पांच जन एक साथ रहते हैं, अनेक अनेक प्रकार से अपना अपना भाष्य लोग किए हैं। लेकिन जो अधिक उज्ज्वल है, शरणाचार्य ने भी जिसको स्वीकारा है, वह है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी और श्रमिक। ज्ञानी जो ज्ञान का काम करें, शिक्षा दें, आध्यात्मिक ज्ञान तपस्या में लगे रहें, दूसरों को उपदेश दें, ज्ञानी। और शासक जो शासन करें, और व्यवसायी जो व्यापार करें, और शिल्पी कारीगर, और श्रमिक मजदूर दल। ये पांचों यज्ञ करते हैं, पंच जन यज्ञ करते हैं, ये वेद में बारंबार आता है। इसलिए लगता है कि कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी, सब यज्ञ करते थे। वेद के मंत्र, अभी मैंने वेद क्या कहते हैं कि भूमिका भी लिखी है, तो उसमें ये भी लिखा है कि ब्राह्मण तो उसमें है ही है, जिनका नाम ब्राह्मण था उनके लिए नहीं लिखा, ये लिख दिया कि ब्राह्मण ऋषि तो इसमें भरे ही है, लेकिन क्षत्री का नाम लिखा जो क्षत्री ऋषि है। और उसके सामने मैंने वेद और नंबर भी दिया कि कोई वहां पढ़ सकता है। वैश्य का लिखा, वैश्य एक मिले, उसमें भी संदेह है, लेकिन शूद्र तो काफी है, और स्त्रियां उससे काफी हैं। और दुर्भाग्य है कि करीब 2500 वर्षों से
शूद्र और स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। शूद्र भी नहीं पढ़ सकते, स्त्रियां भी नहीं पढ़ सकती। अब यह अलग बात है कि आज कोई भी पढ़ता है, लेकिन ऐसा दबदबा बनाए थे, कारुरहम ततोभिषक उपल प्रक्षणी नना नाना धियो वसुयव अनुगायु तस्थिम इंद्राय इंदो परिश्रवा। ये ऋग्वेद का मंत्र है। कारुरहम, कारु अहम, कारु कहते हैं शिल्पी को, कारीगर को। ऋषि कहता है मैं कारीगर हूं, बढ़ई हूं। बढ़ई कह लो, थवई कह लो, शिल्पी तो बहुत काम करता है। कारुरहम पहला वचन है ऋषि का कि मैं शिल्पी हूं, कारीगर हूं। ततो भिषक, मेरा तात पिता भिषक है, वैद्य, दवाई कूटता और दवाई करता है। उपल प्रक्षणी नना, नना नम्र मेरी माँ। उपल प्रक्षणी, साणाचार्य ने भाष्य करते हुए लिखा है, निरुक्तकार ने भी इसको माना है कि माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं तो झुक जाती हैं, इसलिए वो नम्र है। तो नम्रता के लिए नना शब्द का प्रयोग किया है। उपल प्रक्षणी नना, उपल नाम बालू, प्रक्षणी नाम फेंकने वाली। भड़भोज जब कोई भी अन्न भूजता है, थोड़ा बालू डाल करके सामने के पात्र में भूजता है। जब एक अवस्था आ जाती है उसकी, तो दूसरे हंडी से गर्म बालू निकाल के उसमें जोर से डाल के जोर से चला देता है, फूट करके सब लावा हो जाता है। तो बालू फेंकती है उसमें, उपल प्रक्षणी, बालू फेंकने वाली भड़भूज मेरी माँ। नाना धियो वसु यव, वसु के लिए, धन के लिए हम नाना काम करते हैं। कैसे करते हैं? अनुगायु तस्थिम, अनुगायु तस्थिम। जैसे गायें चरागाह में घास खोजती और चरती, वैसे हम घर वाले नाना काम करते हैं धन के लिए। इंद्राय इंदो परिश्रवा है, इंद्र के लिए। हे इंदु बहो, इंद्र नाम सोम, अय सोम, इंद्र के लिए प्रवाहित हो। इंद्र वेदों में बहुत बड़ा देवता है। ऋग्वेद का चौथाई हिस्सा इंद्र की महिमा में लिखा गया है। इंद्र कोई व्यक्ति नहीं हुआ है। इंद्र आकाशी शक्ति है। सूर्य को इंद्र कहा गया, वायु को इंद्र कहा गया, और उसके नाम पर हवन करते थे और सोमरस चढ़ाते थे। इंद्राय इंदो परिश्रवा, इंद्र के लिए अ इंदु अ सोमरस प्रवाहित हो। घर घर में चरखे करघे चलते थे। जब विवाहिता बहू घर में आती थी तो अपने हाथ से कपड़ा बुन करके पति को पहनाती थी, बांधती थी। वासस और उत्तरी दो ही वस्त्र होते थे। वासस का मतलब लुंगी, उत्तरी का मतलब चद्दर। जैसे हम लोग पहनते हैं, बस ऐसे पहनते थे गृहस्थ लोग भी। तो अपने पति के शरीर में कपड़ा बांधते समय पत्नी कहती थी, तेरी निगाह मेरे तरफ ही रहे पर स्त्री की तरफ न जाए, इसलिए मैं तेरे शरीर में कपड़ा बांधती हूं। अपने हाथ से कपड़ा बुनकर पहनाती थी, एक संस्कार देती थी। बच्चा पैदा होता था, माता कपड़ा बुन करके बच्चे को पहनाती थी। सबके सब श्रमिक, वेद के ऋषि सबके सब, अधिकतम तो ग्वाले गाय चराते हैं। गोप्ता, गायों की रक्षा करने वाला से गोप्ता बना। तो संस्कृत साहित्य में गोप्ता रक्षक रूढ़ हो गया। कहीं भी गोप्ता शब्द उसका अर्थ हो जाता रक्षक। इतनी कर्मशीलता थी और कोई किसी से घृणा नहीं थी। लेकिन वर्ण व्यवस्था का जब तीसरा संस्करण हुआ जन्म के अनुसार, तो ऐसा रूढ़ हो गया कि ब्राह्मण तो काम करना छोड़ दिए, एक वर्ग अलग हो गया। तो जो मोटा काम करे वो छोटा मान लिया गया। और धीरे 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 भारतवर्ष के नस में ये एहसास समा गया कि मोटा काम करने वाला छोटा है, फिर अछूत है।
अछूतत्व की भावना बहुत बढ़ गई, नीच मानने की भावना बहुत बढ़ गई। वेद जब स्वयं कहते हैं कि पंचजन यज्ञ करते हैं तो उसमें कौन अलग है? श्रमिक भी, शैली के अनुसार, रूढ़ के अनुसार कहो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद, ये पंचजन है। और उसको और सार्वजनिक ढंग से कहा जाए तो ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक, तो इसमें कौन अपना पराया है? परंतु बात भूल गई, और वर्ण व्यवस्था ने मानव समाज में हीन भावना, अवहम भावना भर दिया। जिनकी योग्यता कुछ नहीं है अपने को वर्ण के आधार पर उच्च मान लिए, जिनकी योग्यता काफी है उनके मन में ऐसा बैठा दिया गया कि तुम नीच हो, संस्कार गत हो गए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। और इसका तरल रूप पूरी दुनिया में है, मैंने पहले कहा ऊंच नीच की भावना, ये मानव का भयंकर दोष है। मानव क्या चाहता है? यही चाहता है कि हमारा सम्मान हो। मानव के नाते मानव महान है, और क्या चाहिए? इसलिए जितने लोग यहां बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि आप किसी से जाति न पूछें, न साधु से पूछें, न गृहस्थ से पूछें। उत्तर प्रदेश में तो रास्ता रास्ता चलते कहते भैया कौन दूध हो, जाति न पूछो। जात तो एक है, मानव की जात है बस। और छुआछूत की भावना आचार विचार के आधार पर होना चाहिए। स्वच्छता है ठीक है, नहीं स्वच्छता है व्यवहार न लो। जात पूछने की जरूरत नहीं है, देखो स्वच्छ नहीं है व्यवहार न लो। स्वच्छता है व्यवहार लो, उसमें भी जात पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे भोजन बनाने वाले लड़के मुस्लिम लड़के रहे हैं, ईसाई लड़के रहे हैं, साधु रूप में रहे हैं, मेरे पास आते हैं, मैं जात पूछता ही नहीं हूं। लड़के जितने आते हैं मैं पूछता ही नहीं कि कौन जात के हो, मैं जानता हूं मेरी जात का है, अब दूसरी जात क्या पूछूं, मैं मनुष्य हूं मनुष्य बस। आप लोग भी जात पूछना छोड़ दो, अब अपने नाम में जो पूंछ लगाते हो उसको काट दो तो अच्छा हो। पूंछ बड़ी प्यारी है सबको, नाम काफी है, पूंछ को काटो। पूंछ अहंकार बढ़ाती है और हीनत्व की भावना बढ़ाती है। सरनेम जिसको कहते हैं उपाधि, उपाधि है झंझट। मनुष्य बनो, मनुष्य की निगाह से देखो। हाँ इसमें एक बात है, जब तक अंतर जाति शादी सामान्य न हो जाए तब तक विवाह के समय पूछ लो, लड़का लड़की से विवाह करना है तो लड़की का क्या गोत्र है, लड़का क्या है, पूछ लो। जब तक अंतर जाति शादी सामान्य न हो जाए, वैसे आज भी चल रहा है अंतर जाति शादी चल रही है। अंतर जाति शादी होनी चाहिए कि नहीं, ये मेरा कोई पक्ष नहीं, इतना ही कहना है कि अगर आप अंतरजाति शादी पसंद नहीं करते हैं तो पूछ ले विवाह के समय बस, और बाकी समय न पूछे किसी से। खान पान का व्यवहार शुद्धता के आधार पर ले, व्यवहार बताओ संगत शुद्धता के आधार पर ले। अगर ये एक बात मान लिया जाए तो इस समाज का कितना कल्याण हो जाए, जिसको हिंदू समाज कहते हैं। और फिर मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, सब समाज में रोग है अपने ढंग का, सबका हित होगा। मानो मानो बने, मेरे यहां तो मुसलमान भी नहीं पूछा जाता, पूछे नहीं जाता है कौन है, जो हो मनुष्य बस, सब भाई हैं, इसमें दूसरा कौन है। जब कभी कोई घटना घट जाती है तो संस्मरण आ जाता है, आप लोगों के सामने कहा करता हूं, कई बार कहा हूं। एक बार कुआं के पास में मैं नहा रहा था तो एक लड़का पानी भरने आया, युवक, तो एक सज्जन खड़े थे, कहे रुको रुको रुको। मैंने कहा क्यों इसको रोक रहे हो,
कि साहब ये हरिजन है। तो मैंने कहा तो मेरा भाई मैं भी हरिजन हूँ भैया, भरो तो। हरिजन दुर्जन दो होते, आप क्या बनना चाहेंगे, हरिजन की दुर्जन, स्वयं निर्णय ले लीजिए। हरिजन नहीं बनते हो तो दुर्जन हो फिर। साहब कहते हैं हरिजन हंस दसाल ये डोले। हरिजन की प्रशंसा साहब ने बहुत की है, हरिजन नाम ज्ञानी। गांधी जी ने लोगों की मानसिकता बदलने के लिए हरिजन नाम रखा, तो हरिजन फिर अछूत मान लिया गया। ये दुर्भाग्य है हमारा। मनुष्य को मनुष्य की निगाह से देखना ये पहला काम है। कोई नहीं चाहता हम हीन माने जाएं, नीच माने जाएं। आप कैसे मनुष्य हैं जो दूसरे को कहते हैं कि तुम नीच हो, कौन सी मनुष्यता है। इतनी भी समझ न आए तो विद्या क्या है, ज्ञान क्या है, समझ क्या है, मनुष्यता क्या है। साहब की इसके लिए अपील जबरदस्त है। उनकी वाणियों में एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा एक रुधिर एक गूदा, एक बुंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि होई, कहीं कबीर राम रम रही हिंदू तुर्क न कोई। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं है, सब मनुष्य है, मनुष्य प्रेम करो। उन्होंने मानसिक प्रदूषण को दूर करने का प्रयास किया। भूत प्रेत लोग मानते हैं, प्रेत का मतलब वह जो चला गया, भूत का मतलब बीत गया। भूत प्रेत की कोई योनि नहीं, कोई खानी नहीं, ये मानसिक भ्रम है। किताब में लिखा है, किताब में तो वेद तक में लिखा है, अथर्व वेद में तो झाड़ फूक बहुत है, और जड़ में सोना धारण करने से लाभ होता है, ये नग पहनने से लाभ होता है, ये अथर्व वेद में है। मैंने इसको भी लिखा है और समीक्षा भी की है। जब इतनी गहराई में है तो आज क्यों न चले। सोना धारण करने से कोई लाभ नहीं होगा और नग धारण करने से कोई लाभ नहीं होगा। अच्छे आचरण से रहो, आत्मविश्वास से रहो, सोना और नग आपका उद्धार करने वाले नहीं। अंधविश्वास पूरा काल से, अथर्व वेद में तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आम जनता में व्याप्त थी, उसको अथर्व वेद में रखा गया। इसीलिए वैदिक ऋषि लोग पुराने अथर्व को उतना नहीं मानते। त्रय वेद और आचार्य बृहस्पति जो भौतिकवादी थे, उन्होंने भी त्रय वेद से कर्तारों कहा खंडन में, ऋग यज साम। ऋग्वेद से अस्तुत की जाती थी, सामवेद गाया जाता था। सामवेद ऋग्वेद ही है। सामवेद में कुल अपना 75 मंत्र हैं, बाकी सब ऋग्वेद का है, लेकिन गाने के लिए अलग बनाया गया है। और यजुर्वेद यज्ञ करने की विधान है, यही तीनों चलता था। अथर्व का संकलन पीछे हुआ, भाषा से साफ जाहिर होता है। पीछे होने पर भी वो पूरा काल का विषय उसमें है, झाड़ फूक जंत्र मंत्र टोना टोटका सब भरा है। लेकिन इसीलिए अथर्व वेद को ब्रह्म वेद कहते हैं। काम की चीजें बहुत हैं, ब्रह्मचर्य का एक लंबा सूक्त है, बहुत विषय है उसमें। ये बात सच नहीं, सब समय करने की जरूरत है। भूत प्रेत केवल काल्पनिक है, भूत प्रेत नाम का कोई जंतु नहीं है, और इसका पूरी तरह से परीक्षण किया जा चुका है। सब मानसिक भ्रम है। भूत आया, भैंसा बन के आ गया, घोड़ा बन गया। भैंसा घोड़ा बनने में बहुत समय लगता है। भैंस भैंसे के संयोग के बाद भैंस गर्भवती होती, महीनों के बाद बच्चा पैदा होता है, और पड़वा वर्षों में भैंसा होता है। झट से भैंसे कैसे भैंसा खड़ा हो गया और गायब कहाँ हो गया फिर। भूत प्रेत केवल मानसिक सनक है। मैं भी पहले मानता था, झड़वाता था,
भूत प्रेत काफी झड़वाया हूं मैं, ब्रह्म राक्षस लगता था मुझे, उसको झड़वाता था। कबीर साहब का बीजक मिला और पारखी संत मिले, 3 महीने में सारे भूत प्रेत बुरिया बिस्तर बांध के चले गए। एक मानसिक भ्रम, साहब ने कहा ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहाड़ाया, अंड न पिंड न प्राण न देही, कोट कोट जीव कौतुक देही, बकरी मुर्गी कीन्यो छेवा, अगल जन्म उन अवसर लेवा, कहीं कबीर सुनो नर लोई, भूतव पुजले भूतवा हुई। भूत पूछते हो इसलिए भूत का भ्रम तुम्हें खड़ा होता, भूत उत कुछ है ना, अंड है ना पिंड है ना प्राण है ना दे, उसमें कुछ नहीं है, कल्पना है तुम्हारी, भूत प्रेत नाम की कोई वस्तु नहीं। देवी देवता प्राणी है, वेदों में देव प्रकृति शक्ति को माना गया है। वेदों के निरुक्तकार प्रसिद्ध यास्क मुनि है, ये आज से 2800 वर्ष पूर्व हुए हैं, ईसा से 800 वर्ष पहले हुए हैं। उसके पहले 22 निरुक्तकारों का उन्होंने नाम लिया है अपने निरुक्त में, लेकिन उन 22ों का कोई शास्त्र नहीं है, केवल यास्क का है जो आज से 2800 वर्ष पूर्व रचना है। उसको पढ़ करके वेदों का अर्थ करने में सरलता होती है, और उसी का आधार लेकर के 2500 वर्षों से भाष होते रहे। उन्होंने लिखा 3 लोक माना जाता है, द्विलोक अंतरिक्ष और पृथ्वी, चांद सितारों का जो मंडल है वो द्विलोक है, दुनम चमकना, चमकता हुआ मंडल, अंतरिक्ष का मतलब ये आकाश और भूमंडल। द्विलोक का देवता सूर्य है, अंतरिक्ष का देवता वायु है, पृथ्वी का देवता अग्नि है। ये निरुक्तकार ने 3 ही देवता माना है, 3 देवता हैं केवल, द्विलोक में सूर्य, अंतरिक्ष में वायु, पृथ्वी पर अग्नि। वेदों को पढ़ करके तो साफ हो जाता है प्राकृतिक शक्तियों में सूर्य के इर्द गिर्द सभी देवता घूमते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ये ऋग्वेद के मंत्र का अंश है। तो एक सत को विद्वान लोग अनेक प्रकार से कहते हैं, वह एक सत क्या है, आदित्य सूर्य। सूर्य सविता रूप में ही उपासना में गायत्री मंत्र बना है, सविता कहते हैं प्रेरिता। साणाचार्य ने भाष्य करते हुए लिखा है, उदयात पूर्व भावी सविता, उदयास्तमय वर्ती सूर्य, उदय के पूर्व उसको सविता कहते हैं और उदय से अस्त तक के समय को सूर्य कहते हैं। तो सविता मंत्र है, तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये ऋग्वेद के 63rd mandal ke 62nd sukta का 10वां मंत्र है और ये विश्वामित्र की रचना है। इसमें बुद्धि को प्रेरित करने की बात की गई है। सूर्य सविता प्रकाश स्वरूप है, उसका हम ध्यान करते हैं, वो हमारी बुद्धि को प्रेरता, ये इसका सामान्य अभिप्राय। सारे देवता सूर्य के इर्द गिर्द, अश्वनी उषा और दधिका दधिक्रा, कितने देवता हैं जो सब सूर्य हैं, दधिक्रा एक देवता है, उस पर भी मैंने एक प्रसंग लिखा, दधिक्रा, दधि नाम दही, क्रा नाम बिखेरना। सूरज उगता है तो उगते उगते मालूम होता चारों तरफ दही बिखेर रहा है, इसलिए दधिक्रा उसका नाम है। अश्वनी अश्वाला, संस्मरण आया, एक लड़का है मेरे सामने, पढ़िया लड़का, जवान था, मैंने कहा बेटा क्या नाम, कहे अश्वनी, मैंने कहा इसका क्या अर्थ होता है, तो लज्जित होके खड़ा हो गया, मैंने कहा बताओ कि एक बार मेरे मास्टर साहब ने कहा अश्व नाम घोड़ा, अश्वनी नाम घोड़ी, तो तुम्हारे नाम का अर्थ घोड़ी। मैंने कहा, और मास्टर बेचारा जितना जानता था उतना कहा, अश्व वेदों में अश्व बारंबार कहा गया है सूर्य की रश्मियों के लिए, सूर्य की रश्मियां अश्व,
सूर्य अश्व पर चल, अश्व के रथ पर चलता है, अश्विनी रश्मिया किरणें, अश्विनी मतलब किरणों वाला, अश्व वाला किरणों वाला, अश्विनी सूर्य वो किरणों वाला है। तो तीन देवता द्वलोक में सूर्य, अंतरिक्ष में वायु, पृथ्वी पर अग्नि, फिर और देवता बनते गए हैं उसमें, और सब देवता प्राकृतिक शक्तियां। वे मानते थे कि इनके नाम पर हवन करोगे तो खुश होंगे, पानी बरसाएंगे, सब मंगल हो, इसलिए वो करते थे। लेकिन उन देवताओं का व्यक्तिकरण हो गया है, जैसे कि इंद्र ही है, उसका व्यक्तित्व ऋग्वेद में इतना चमचमा उठा है कि एकदम लगता है कोई सूरवीर सामने खड़ा हो गया है। कभी हृदय भावुक होता है और वो प्राकृतिक वस्तुओं का भी व्यक्तिकरण करता है, व्यक्ति बना देता है। मेघदूत में कालिदास ने बादलों को कैसा चित्रित किया, यूरोप के विद्वान कविता में प्राकृतिक शक्तियों से बात करते हैं। तो प्राकृतिक शक्तियों का व्यक्तिकरण हो गया है, व्यक्ति के रूप में उसमें चित्रित हो गया है, इसलिए पीछे देवी देवताओं का प्रवाह भारतवर्ष में बहुत चला, आज भी है। पर्वत पर्वत मैयत बसरवा है और जगह जगह है। मैं तो भ्रमण में रहता हूँ और गांव में प्रायः जब किसी के घर में भोजन करके निकलता हूँ कुल्ला करने के लिए बाहर, और कहीं पत्थर रखा है, कहीं ऊंची सी जगह है, तो मैं पूछ लेता भाई कोई देवता तो नहीं है, अपमान न हो, दूर कुल्ला करो। तो देवता यहां बहुत बढ़ गए। देवता जो दे, देवता जो चमके, नृत्यकार यास ने ही अर्थ किया, जो दे जो चमके वो देवता। प्राकृतिक शक्तियां हमें देती, वे चमकती, इसलिए वो देवता। उनका सही उपयोग करने की जरूरत है। सूर्य की किरणों का शरीर में पड़ना कुछ समय के लिए अच्छा है, गर्मी में थोड़ी, ठंडी में ज्यादा। पानी का उपयोग करना चाहिए ऋतु के अनुसार, हवा का उपयोग करना चाहिए, आग का उपयोग करना चाहिए, प्राकृतिक शक्तियों का सेवन करना चाहिए, यही उनकी उपासना है। अब आग लग जाए कहीं और हाथ जोड़ के खड़े हो, हे अग्नि देवता, जीवन भर हम तुम्हारे में हवन किए हैं, क्षमा करो, हाथ जोड़े रहो, सब जला डाले। बाढ़ आ जाए, हे वरुण देवता, रुक जाओ, कुछ नहीं होगा, वो सब बहा ले जाए। प्राकृतिक शक्तियां हैं, उनमें कोई ज्ञान थोड़े, इसलिए उसका ज्ञान जरूरी है। ज्ञान करो और उसका सही ढंग से सेवन करो। आगे चल करके देवी देवताओं की उत्पत्ति बहुत हो गई। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जेती आत्मा तेते सालिक ग्राम, जितनी आत्माएं हैं सालिक ग्राम भगवान है। वे देवी देवता प्राणियों को मानते हैं और यही वास्तविकता। विवेक ज्ञान बढ़ते बढ़ते, जैसे कि ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ है अग्नि, ब्रह्म का अर्थ है वेद के मंत्र, वेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में हवन करने वाला ब्राह्मण, बृहत्वाद ब्रह्म, जो बढ़े वो ब्रह्म। आग थोड़ी जलाओ, ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आग ब्रह्म। और अग्नि की उपासना आर्यों में थी, पारसी लोग भी आर्य के आर्य परिवार के हैं, उनमें भी अग्नि उपासना आज भी है, इसलिए ऋग्वेद सबसे पहला वेद और उसका पहला मंत्र अग्नि मेले पुरोहितम यज्ञ से देव ऋतजम होतारम रत्न धातमम, ये भी गायत्री मंत्र है। अग्नि ईले पुरोहितम, अग्नि शब्द पहले है। तो अग्नि की उपासना चली और अनेक देवी देवता सृजित किए गए। लेकिन आगे चल करके अग्नि को जब ब्रह्म कहा गया तो और सूझ बढ़ी, तो आत्मा को ब्रह्म कहा गया, विकास होता गया। जो लोग ये मान लेते हैं कि वेद तो आकाश से आया, ईश्वर का वचन है, कुछ लोग कहते अपुरुषे है ईश्वर, ईश्वर कुछ नहीं, वो अनादि, कुछ लोग कहते ना ईश्वर की रचना,
हर जप हर सूक्त पर ऋषियों के नाम है जो उनके रचनाकार है। और नए मंत्र हम बनाते हैं तो बारंबार कहा, मैंने भूमिका में लिखा है और बहुत मंत्रों को उद्धृत किया है जिसमें बारंबार नव्यम आया है, नए मंत्र हम बनाते हैं तुम्हारे लिए। और भाषा को देखो, ऋग्वेद की भाषा ही में पहला मंडल और अंतिम मंडल की भाषा भिन्न है, बीच की भिन्न है, अथर्व की भिन्न है, यजुर् की भिन्न है, भिन्न देश काल में रचनाएं हुई। तो कोई पुस्तक आकाश से कहां आती है और कोई पुस्तक आकाशी है, ईश्वरी है, ऐसा मान लेने से सांप्रदायिकता का विष बढ़ता है, क्योंकि हमारी पुस्तक ईश्वरी है उसको जो नहीं मानेगा वो नास्तिक है, काफिर है, इसमें विषाक्त वातावरण फैलेगा। और तथ्य है कि सारी किताबें मनुष्य रचता है, इसलिए सारी किताबें माननी है, सबका आदर करो लेकिन पढ़ो और निर्णय करो सार क्या है, सार क्या है, अंधविश्वास में न पढ़ो। तो इस प्रकार वाणी का विचार पूर्वक ग्रहण, कबीर साहब ने संसार के मोह माया पर बहुत कहा। क्यों कहा है? क्योंकि मोह में सब फंसे हैं, इसीलिए वैराग का वचन उनकी वाणी में बहुत है। ये सभी मानते, ज्ञानी जी मुझसे कहते थे कि जब गुरुद्वारा में प्रवचन के क्रम में कबीर वाणी आती है तब ज्ञानी जी कहता, भाई सावधान, कबीर वाणी आ गई, कबीर वाणी वैराग से भरी हुई। वैराग की जरूरत क्यों? क्योंकि राग दुख है, राग दुख में फंसाता, वैराग से ही राग कटता। वैराग का अर्थ घर छोड़ना, कपड़ा बदलना मत समझिए, वैराग का अर्थ है निर्मोहता। जो गृहस्थी में रहे गृहस्थी में रह के वैराग करें, और जो घर छोड़ के विरक्त हो गए हैं, विरक्त वेश में चले गए हैं, वे वहां वैराग करें। वैराग सबको जरूरी है, संसार की नश्वरता को समझे बिना मन उससे हट नहीं सकता है, इसलिए कबीर की वाणी में वैराग भरा हुआ। बारंबार नश्वरता की बात वो कहते हैं, माली आवत दे की कलियां करी पुकार, फूली फूली चुन गई काल हमारी बार। इसलिए वैराग के वचन उनके ग्रंथों में भरे हैं। कबीर साहब ने संप्रदाय की बात नहीं कही, पूरे बीजक में पंथ नहीं है, कहीं कबीर पंथ शब्द नहीं है। कल दो अधिकारी हमारे यहां आए थे, दोनों ने भाषण किया था, और प्रथम प्रवक्ता ने कहा था कि हमें ऐसा कुछ पंथ, कबीर पंथ की अपेक्षा कबीर समाज कहा जाए तो अच्छा हो, और कुछ ऐसा त्यौहार मनाना चाहिए जिससे पूरी मानवता की बात आए। सुझाव बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सुझाव है। जब वहां पर मेरे पास गए तब मैंने कहा कि भैया पंथ नाम बदल करके समाज रख दो, बात वही रहेगी, कुछ भी नाम बदल दो, काम करने की जरूरत है। कबीर साहब ने तो पंथ कहा ही नहीं, पूरे बीजक में कबीर पंथ शब्द नहीं है, कबीर पंथ की कोई नियमावली नहीं है। प्राप्त विचारों पर समीक्षा है और सत्य का उद्घाटन है पूरे बीजक में, तो कबीर साहब ने तो पंथ बनाया नहीं, लेकिन इतने लोग जब इकट्ठे हो गए तो पंथ तो बनेगा ही, क्योंकि उसको चलाने के लिए कोई नियम देना पड़ेगा, कोई शिष्टाचार रखना पड़ेगा, कुछ पारिभाषिक शब्द होंगे शास्त्रों के, बस पंथ बन जाएंगे। पंथ बनना बुरा नहीं है, संप्रदाय बनना बुरा नहीं, सांप्रदायिकता बुरी, पंथाईपन बुरा है। हमारा ही संप्रदाय राहे खुदा है और सबका राहे जुदा है, ये अपराध है। सारे संप्रदाय मनुष्य के बनाए, सारी किताबें मनुष्य की रचनाएं, दुनिया के सारे महापुरुष मनुष्य,
यही वास्तविकता, और यह समझ सब में आ जाए सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। अगर दैवीकरण रहेगा ग्रंथों पर, महापुरुषों पर और परंपरा पर, तो सांप्रदायिकता बढ़ेगी। हमारी किताब ईश्वरी, हमारा मजहब ईश्वरी, हमारा महापुरुष ईश्वर का अवतार या भेजा हुआ, यह भावना जब आएगी तो सांप्रदायिकता बढ़ेगी, क्योंकि दूसरे का अनिश्वरी हो राह खुदा नहीं हो जुदा है नरकपंथी, तो ये विकार बढ़ेगा। और आपको मैं याद दिलाऊं कि भारतवर्ष का जो प्राचीनतम अध्यात्म शास्त्र उपनिषद है उसमें सांप्रदायिकता नहीं, ईश्वर वचन है। इसको मानोगे तो स्वर्ग जाओगे, नहीं तो नरक जाओगे, कहीं नहीं लिखा है। और कोई अवतार पैगंबर की बात उपनिषदों में नहीं, कोई देवता की बात नहीं, ज्ञान की बात, आत्मज्ञान की बात, सदाचार की बात। कल मैंने कहा था कि कबीर उपनिषद ही कह रहे हैं, कबीर की अपनी उपनिषद है। उपनिषद तो अंतरात्मा से निकलती, जो अंतरात्मा को साध लिया। अभी चंदूलाल ने गाया था, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हुई है, तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आंखिन की देखी, इतना वचन ही तीर के समान है। परंपरावादी किताब की बात पेश करता है, कबीर साहब कहता मैं आंख देख की बात करता, अनुभव की बात करता। अनुभव क्या बताता है? अनुभव ये बताता है कि सारी किताबें मनुष्य की रचना, सारे महापुरुष केवल मनुष्य, और सारे संप्रदाय मनुष्यों के चलाए, तो उसमें एक केवल सत्य का ठेकेदार कैसे होगा? जो जिस संप्रदाय में हैं उसका आचरण करें और अपना चित्त निष्पक्ष रख करके सत्य का मोती कहीं से भी प्राप्त करने की चेष्टा करें। सत्य का मोती उनका अपना आत्मा ही समझना चाहिए, बाहर से कहीं कुछ प्राप्त होता नहीं। निष्पक्ष होकर के कहीं कबीर भटकत फिरे पकड़ी शब्द की छाए, लोग शब्दों की छाया पकड़ करके भटकते हैं, लिखा है लिखा है लिखा है, शब्दों की छाया पकड़ करके न भटको, विचारवान बनो। तो कबीर साहब ने संप्रदायवाद का खंडन किया, जैसे जातवाद का खंडन किया वैसे संप्रदायवाद का खंडन किया। जैसे अमुक वर्ग जन्म से बड़ा है ये कहना गलत, वैसे अमुक संप्रदाय वाला बड़ा है ये भी कहना गलत। और भी एक निवेदन कर दूं, प्रायः लोगों में आदत होती है, अरे उस जाति का है, ये जाति वाले सब ऐसे होते हैं। जाति वर्ण को लेकर के निंदा, देश को, क्षेत्र को, प्रदेश को लेकर के निंदा, ये बहुत गलत है। अमुक प्रदेश वाले हैं ये सब ऐसे ही है। कौन सा प्रदेश दूध का धोया है? एक प्रदेश में मैं था तो अपने प्रदेश की बहुत बड़ाई करने लगे, तो मैंने कहा ये बतलाओ यहाँ के जेल खानों में जो आदमी भरे हैं वो किस प्रदेश के हैं, तो लजा गए। और वहाँ के प्रदेश के जेल खाने में भी मैं भाषण करने गया हूँ, खूब खचाखच भरे थे। कहाँ बुरे लोग नहीं हैं और अच्छे लोग कहाँ नहीं हैं? इसलिए प्रदेश को लेकर के कभी किसी को कटुन को, ये प्रदेश वाले हैं, सभी प्रदेश में अच्छे बुरे होते हैं, सभी वर्णों में अच्छे बुरे होते हैं, सभी जाति जात वर्ण जो माना गया है वैसे जात मनुष्य की एक है। लेकिन मान लीजिए जैसे कुर्मी है, मुराव है, बाबन है, तेली है, धोबी है, माने हैं, तो उसमें भी सभी ब्राह्मण न तो अच्छे हैं न सब बुरे हैं, न सभी कुर्मी अच्छे बुरे हैं, न सभी मुसलमान अच्छे बुरे हैं, सब में अच्छे बुरे होते हैं। ऐसे संप्रदायों में शिक्षा तो अच्छी हर जगह है, लेकिन आदमी तो आदमी है, सभी तो ऐसे नहीं हो जाते हैं। इसलिए वर्ग, वर्ण, जाति, संप्रदाय, देश, गांव, क्षेत्र लेकर के हीन कहना, उच्च कहना, ये समझदारी नहीं। अब आदमी इतना भावुक होता है कि तुरंत तो कहने लग जाता है अमुक, अरे ये तो इस प्रदेश वाले हैं। तुम अपने प्रदेश का सर्वेक्षण कर लो, पहले अपने घर का कर लो, अपने पड़ोसियों कर लो, अनुदार विचार
रख करके कोई सत्य को नहीं समझ सकता है। उदार बनो, सत्य का ठेकेदार कोई संप्रदाय नहीं। कबीर साहब ने इस पर नाम ले लेकर के कहा, शास्त्रों को चुनौती दी, महापुरुषों को चुनौती दी। उनका हृदय इतना समर्पित था कि जो कुछ निकलता था जिस दिशा के लिए समन्वय, एकता, एकता का सूत्र उनकी वाणी में सर्वत्र है, क्योंकि वो उनका चित्त ही एकतापूर्ण था। अद्भुत जीवन था, अद्भुत मन था। कबीर की बात तो सभी जानते हैं, कबीर का नाम सुनते ही लोग गदगद हो जाते हैं। अरे भाई, कबीर की बात छोड़ो, वो तो बहुत निराले संत। 20 बरस तक मैं जहां रहा पूर्व आश्रम में, ब्राह्मणों के समाज में बराबर आना जाना होता था, किसी ब्राह्मण के मुख से मैंने कबीर की निंदा नहीं सुनी। जब कहीं कोई भजन वजन आ जाए गाने के लिए, अरे भाई कबीर का भजन गाओ, और कबीर की बात आए, कबीर तो निराले थे, कबीर जैसा कौन हुआ। तो कबीर तो ऐसे हैं, सबके लिए प्राणवान और प्राण देने वाले। लोग कहते हैं हम ऊंचे घर में जन्मे होते तो साहस होता, विश्वविद्यालय में पढ़े होते तो साहस होता, धनी होते तो साहस होता, अफसर होते तो साहस होता। कबीर साहब को कुछ पता नहीं, न जात का पता, न पढ़ाई का पता, एक फकीर फक्कड़। और इतना गरजते हैं उनकी वाणी देखो, हीन भावना कहीं है ही नहीं। कबीर की याद कर लो तो मृत प्राणी में भी, मृत का मतलब ठंडा, कोई प्राण निकल गया वो मृत नहीं, ढीला ढाला आदमी भी बलवान हो सकता है। कबीर स्वर्ण स्तंभ की तरह है। और उनकी बातें ऐसी पैनी हैं, ऐसी साफ हैं कि कोई भी समझ करके आचरण करे उसका कल्याण हो जाए। वह संप्रदाय पर जोर नहीं देते हैं, धर्म पर जोर देते हैं। धर्म संप्रदाय में फर्क है। संप्रदाय वह है जो किसी देश काल में बनता है, धर्म वह है जो सब समय व्यापक रहता है। नमाज पढ़ी जाती है 1422 वर्षों से, संध्योपासना तो हजारों वर्षों से है, लेकिन कब से की जाती इसका पता नहीं है। वेदों में संध्योपासना का पता नहीं चला। संध्योपासना में गायत्री मंत्र तो लिया गया है जब से संध्योपासना चली, गायत्री मंत्र वहां है, लेकिन संध्योपासना का विधान का पता नहीं। पुराना है लेकिन फिर भी कोई समय से हुआ। कोई पूजा पद्धति, कोई सिस्टम, रीति नीति किसी देश काल में पैदा होती, लेकिन शील, करुणा, क्षमा, दया ये किसी देश काल में नहीं पैदा होते, ये सब समय। आप चंद्रलोक में चले जाएं, मानो वहां मनुष्य हो, या किसी लोक में, वहां तो मनुष्य नहीं है, किसी लोक में चले जाएं वहां मनुष्य हो और सुसंस्कारित हो, उनमें भी धर्म होगा। लेकिन इस धरती तल का कोई विधान वहां नहीं होगा, न कुरान पाठ होगा, न वेद पाठ होगा, न गीता पाठ होगा, न बीजक पाठ होगा, न बाइबिल पाठ होगा, न राम न रहीम, कुछ नहीं, अपने ढंग का कुछ होगा। लेकिन शील का बर्ताव होगा अगर उनमें संस्कार है तो। इसलिए संप्रदाय की बातें जो होती हैं वो देश काल में बनती, धर्म की बात देश काल में नहीं बनती। सदा धर्म जाके हृदय अवसई, राम कसौ की कसते रही। सदैव धर्म जिसके हृदय में बसता है वो राम कसौटी से अपने को कसता रहता है। राम कसौटी है अंतरात्मा की कसौटी, धर्म है गणित। ज्यादा खाओगे पेट खराब होगा, संतुलित खाओगे सुखी रहोगे, बहुत कम खाओगे दुर्बल हो जाओगे, कट कहोगे मन मैला होगा, मीठे वचन कहोगे मन शीतल रहेगा, ठगोगे पीड़ित होगे, ईमानदारी बर्ताव करोगे प्रसन्न रहोगे। ये गणित है। इंद्रियों को लंपट करोगे बिलबिलाओगे, आज और आगे और, इंद्रियों पर संयम रखोगे सुखी रहोगे,
मन चंचल रखोगे हल्के रहोगे, हल्कापन जाहिर हो जाएगा। मन गंभीर रखोगे रानी गंभीर रहेगी। दूसरे से मीठा वचन कहोगे वो भी मीठा वचन कहेगा, कट कहोगे कट कहेगा। धर्म गणित है, असली धर्म यही है, शील क्षमा दया करुणा प्रेम। मजहब की बातें धर्म के रक्षक, नमाज धर्म का रक्षक। नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़े, कुछ सात्विक भावना आएगी। पूजा करने वाले पूजा करें, प्रार्थना करने वाले प्रार्थना करें, जो जैसा मानता हो कुछ करे, कुछ सात्विक भावना आएगी। लेकिन दुख नहीं दूर होगा, दुख दूर होगा जब विवेक ज्ञान उदय होगा। मनसायर मनसालहर बूढ़े बहुत अचेत, कहा कबीर ते बाँची है जाके हृदय विवेक। मन समुद्र है, इच्छाएं तरंगे, और इसमें सब डूब रहे हैं। जिसके हृदय में विवेक होगा वो इससे बचेगा। विवेक की जरूरत है, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई, ये गोस्वामी जी ने भी कहा। पूजा पाठ से, नमाज से, प्रार्थना से, रोजा से, हज से, तीर्थ से भी सात्विकता मन में आ सकती है, अगर सही भावना से किया जाए तो सात्विकता आएगी। फिर तब आप कभी सत्संग भी करेंगे और आगे प्रगति होगी, कुछ न कुछ लाभ है। लेकिन दुख नहीं दूर होगा, दुख दूर होगा जब मन आमूल चूल परिवर्तित होगा, मैला मन निर्मल होगा, शिव संकल्प। आपके संकल्प शिव, यजुर्वेद में 6 मंत्र शिव संकल्प है, बहुत बढ़िया है वो संदर्भ है। हमारा मन शिव संकल्प वाला, अच्छा संकल्प करें। कबीर साहब ने कहा, ई मन चंचल ई मन चोर ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुन चाड़े मन के लक्ष्य द्वार। ये चोर है, ये मन चंचल, ये मन चोर, चंचल है, चोर है, शुद्ध भी है ठगहार भी। मन मन करते सब भटक जाते हैं, जो मन को संभाले वो धन्य। तेज घोड़ा बैठना उस पर और उसको सिखाना नहीं, ऐसे बिना सिखाए घोड़े पर बैठना, हाथ पैर तोड़ेगा आपका गिरा करके। लेकिन उसको सिखा लिए और मच गया फिर तो चलो मंजिल पहुंचो। ये मन तीव्र घोड़ा है, इस पर सब सवार है, और इसका प्रशिक्षण करने वाले कितने लोग हैं। तमाकू मुख में भर लिए, पान दबा लिए, एक बोतल भी चढ़ा लिए, सिगरेट भी फूंक लिए, न मालूम कितना दुर्व्यसन करते जाते और खराब करते जाते हैं अपने को। मन को जहां मांजना चाहिए वहां मन को और खुराफाती बनाते हैं। मन अपने बस में हो जाए, दुनिया बस में है, क्योंकि दुनिया को बस में करने फिर चेष्टे खत्म हो जाएगी। दुनिया कोई बस में कर ही नहीं सकता है, राजे महाराजे बेचारे नहीं कर पाएंगे। अपना मन ठीक कर ले सब बस में है। मन ठीक कर लेने पर इच्छा ही संयत हो जाती है, संतुलित हो जाती है, खुराफात ही मन में नहीं रह जाती है। परेशानी क्या है, बाजार आप गए, आपके पास 100 रुपये, हजारों लाखों का सामान देख करके मन ललचाता है, क्या फायदा होगा। अंत में 100 के अंदर ही सौदा करके आना पड़ेगा। संयत व्यक्ति 100 की बात समझता है और जाता है, सौदा लेता है, घर चलाता है, उसका मन ललचाता ही नहीं, सुखी है। तो संयत मन वाला सुखी होगा। मन सबके पास है, उसमें हिंदू मुसलमान ब्राह्मण शूद्र की बात नहीं, मन सबके पास है। और मन ही सबको रुला रहा है, बढ़िया आचरण न करने से मन के खुराफाती विचार, खुराफाती वाणी, फिर खुराफाती आचरण। मन खराब होगा वाणी खराब होगी, मन वाणी खराब होंगे आचरण खराब होगा, जीवन खराब होगा। ये गणित है, इसमें कोई किसी के लिए मुरव्वत नहीं, क्षमा नहीं, और इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। कोई भगवान भवानी इसको काट नहीं पाएंगे। आप देख ले, किसी दिन ज्यादा भोजन आप कर लेते हो उस दिन नाम जपो,
पांच वक्त के अलावा 20 वक्त नमाज पढ़ो तो भी पचेगा नहीं, क्योंकि आपने ज्यादा भोजन किया। कोई भगवान पचा नहीं पाएगा, कोई देवता पचा नहीं, गुरु बाबा भी नहीं पचा पाएंगे। गुरु बाबा ही ज्यादा खा लें तो उन्हीं पेट खराब हो जाएगा। इस धरती आकाश के बीच में नियमों में क्षमा में कोई गुंजाइश नहीं है, नियमों में कोई क्षमा नहीं, नियम सब पर लागू है। आग जो छुएगा जलेगा। आपने देवी देवता क्यों बनाया है? पाप काट जाए और इद्धि सिद्धि मिल जाए, इसलिए बना लिया। लेकिन बना करके आप धोखा खा रहे हैं, असली देवता को नहीं समझ रहे जो कर्म देवता है। इसलिए देवता पूछते जाते हो, दुखी बने रहते हैं और दुराचरण करते रहते हैं, एक तरफ ईश्वर एक तरफ दुराचार, ये और धोखा है। इसलिए कर्म की पवित्रता ईश्वर है, कर्म की पवित्रता देव है, कर्म की पवित्रता पूजा है। इसलिए साहब ने कहा जो कुछ करो सो पूजा, मैं जो करता हूं पूजा है। अगर मन पवित्र हो तो कर्म मात्र पूजा है, कोई काम हो पूजा बन जाएगा। टट्टी साफ करना पूजा है, रक्षा करना पूजा है, व्यापार करना पूजा है, खेत जोतना पूजा है, सब पूजा बन जाएगा। और ये संप्रदाय की बात नहीं, नमाज पढ़ना संप्रदाय की बात है और प्रार्थना करना संप्रदाय की बात, संध्या उपासना करना संप्रदाय की बात है, राम और रहीम संप्रदाय की बात है। कोई राम कहा कोई रहीम कहा, लेकिन मनुष्य का अस्तित्व कोई संप्रदाय की चीज नहीं है, मनुष्य का मन कोई संप्रदाय की चीज नहीं है, मनुष्य की वाणी कोई संप्रदाय की चीज नहीं है, और उसके सुधारने ही से मंगल है। कबीर साहब का बारंबार जोर इस बुनियादी बात पर है, इस पर ध्यान दे। कबीर साहब कहते हैं परमात्मा मोक्ष कल्याण कहीं बाहर नहीं, जीवन को निर्मल करते जाओ, पूर्ण निर्मलता के बाद जो अवस्था आएगी वही परमात्मा की प्राप्ति। क्योंकि आप स्वयं सोच लें कि प्राप्त हुई वस्तु छूट जाती है, कौन ऐसी वस्तु है जो मिले और न छूटे? अगर परमात्मा मिलेगा तो छूटेगा, मोक्ष मिलेगा तो भी छूट जाएगा। इसलिए पाना कुछ नहीं, जो पाया गया है आज तक उसका मोह छोड़ना है। अंततः कल्याणार्थी ये समझ ले कि मेरी आवश्यकता दुनिया को नहीं, मैं जो मानता हूं मैं नहीं रहूंगा तो कुल बिगड़ जाएगा, एक मन का धोखा है। मैं नहीं रहूंगा तो घर नहीं चलेगा, मैं नहीं रहूंगा तो समाज नहीं चलेगा। अरे आप जैसे असंख्य जीव आए गए और अनाद काल से संसार चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा, आप कौन होते? आप अपना कल्याण करो। हम तो ऐसा अहंकारी बन के बैठे हैं, हम कर्तव्य निभा रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए कोई कर्तव्य नहीं। आपको क्या, बच्चे पाल रहे हैं, लड़के की शादी विवाह कर दिए लेकिन लड़के का लड़का हो गया है उसको पढ़ा रहे हैं, पोते की अब शादी देखनी है, ये सब कर्तव्य कर रहे हैं। आपने बच्चा पैदा किया, पढ़ाना चाहिए लिखाना चाहिए धंधे में लगाना चाहिए शादी विवाह भी कर देना चाहिए, ये सब कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन लड़के के लड़के की शादी चक्कर में क्यों पड़े? आपका लड़का अपने लड़के की शादी करेगा, आप अपने कल्याण में तो लगिए। लेकिन ये बूढ़े लोग तृष्णा और मोह में खूब जबरदस्त पड़ जाते हैं। अधिकतम बूढ़े तृष्णा और मोह उनको बहुत सताते हैं। जो साधक हैं वे उनकी बात मैं नहीं कह रहा, नहीं तो जितने बुढ़ापा आता है उतना तृष्णा अधिक और मोह अधिक, जितना बढ़ गया है घटने न पाए, जो है सब स्थिर रहे। संसार ही स्थिर नहीं है तो आपके लिए प्रकृति का अलग विधान हो जाएगा। शाम को श्री राम के लिए राजगद्दी बताई गई और सुबह
14 वर्ष का कठोर बनवासी जीवन बताया गया है। इतना घोर परिवर्तन, वन में उनकी पत्नी एक जबरदस्त व्यक्ति द्वारा हारी गई, घोर युद्ध हुआ। जब अपने गांव घर आए, अयोध्या वासियों ने ताना मारा, उन्होंने सीता को निकाल दिया धोखा देकर। नहीं कहा कि तुम्हें निकाल लाऊं, लक्ष्मण से कहा जाओ गंगा पार कर देना, तब कह देना अपवाद के डर से राम ने निकाल दिया। कह दो ऋषियों के आश्रम में घुमाने ले जा रहे, कितना हृदय द्रावक। हमें ऐसे लोग मिलते हैं, कहते महाराज मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा क्यों दुखी हो? कुछ दुखी नहीं, तुम भ्रम में पड़े हो। नहीं साहब, जरा सुन लीजिए, मेरे समान दुनिया में कोई दुखी नहीं। एक सज्जन ने कहा तो मैंने कहा आपकी पत्नी खो गई है? कहने कोई तो नहीं है। तो हम कहे तो राम से दुखी आप नहीं? अपने घर से निकाल दिए गए? कहे नहीं महाराज, घर में हूं। हम कहे राम तो निकाल दिए गए थे। तो हंसने लगे, वातावरण उनका बदल गया।